यूपी के बाद अब हरियाणा में भी बदमाशों की खैर नहीं। पानीपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, दोनों तरफ से चली गोलियां। दो बदमाशों के पैरों में लगी तीन को किया काबू, ड्राइवर अपहरण हत्याकांड के मुख्य आरोपी। हरियाणा के पानीपत की पुलिस और बदमाशों के बीच बीती रात मुठभेड़ हो गई, दोनों तरफ से गोलियां चली। मुठभेड़ के बाद बदमाशों के पैरों में गोली लगी, जबकि पुलिस की सरकारी गाड़ी पर गोली लगी। कई राउंड फायर के बीच पानीपत CIA 2 ने दो घायल समेत तीन बदमाशों को काबू कर लिया। बदमाशों को वहां से सिविल अस्पताल लाया गया, जहां दोनों घायल बदमाश उपचाराधीन हैं, जबकि एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। बदमाशों ने प्रारंभिक पूछताछ में तहसील कैंप के ड्राइवर मोहित सोनी का अपहरण, लूटपाट व हत्याकांड का खुलासा हुआ। इसके अलावा भी बदमाशों ने दूसरी वारदात खोली है। पानीपत में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ ने यह साबित कर दिया कि अब बदमाशों की हरियाणा में एंट्री नहीं हो सकती है, क्योंकि हरियाणा पुलिस ने यह ठान लिया है कि बदमाशों की यहां पर एंट्री हो ही नहीं सकती। और हरियाणा पुलिस ने एक बार फिर से कमाल कर दिया और ये साबित कर दिया कि हरियाणा में बदमाशों की अब खैर नहीं। आपको बता दें, सनोली एरिया के गांव शमशादाबाद में हुई मुठभेड़, पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बदमाशों को पकड़ने के लिए सनोली एरिया के गांव शमशादाबाद में दबिश दी। मुठभेड़ के दौरान पकड़े गए बदमाशों की पहचान अशोक लोहारी व नरेश निवासी विजय नगर रोहतक के रूप में हुई है। इन दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी, दोनों सिविल अस्पताल में उपचाराधीन हैं, जबकि तीसरा आरोपी फिलहाल सनोली थाना की जेल में बंद है। इनको पता लगा कि तीन लड़के हैं जो लूट के लिए इधर उधर घूम रहे हैं और हथियार उनके पास है, जिस पे इन्होंने नाकाबंदी करी। तो कुछ ही देर बाद ये तीन लड़के पत्थरगढ़ की तरफ से आते दिखाई दिए, जिनको इन्होंने वार्निंग दी, तो इन्होंने देख के ये कह के पुलिस है और इन पे गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें अपने डिफेंस में पुलिस ने पहले हवाई फायर किया और उसके बाद इनको भी डिफेंस में गोलियां चलाई, जिसमें दो लड़के इंजर्ड हैं। अभी इन दोनों से घायल अवस्था में बात करी तो रात को ही पता लगा कि इन दोनों ने एक पहले भी मर्डर और लूट कर रखी है पानीपत में, जो थाना तहसील कैंप में पर्चा दर्ज है, 610 नंबर FIR, और एक लूट कर रखी है ठेके पे, 410 नंबर मुकदमा मतरोडा थाने के अंतर्गत। सर, इनका किसी और गैंग से वास्ता है या कुछ और लोग शामिल हैं इसमें? पहले जो ये लूट वाला मामला था, दो आदमी अरेस्ट हो चुके हैं, वो दो बीस के साथी थे, वही मास्टरमाइंड था। ये तीनों लड़के थे जिन्होंने उस लड़के को ले जाके मर्डर किया था सोनीपत में। सर, इनसे और कुछ भी? हाँ, अभी बाकी बातें करेंगे क्या प्रोसेस होता है। एक ये कैथल का है, एक लुहारी का और एक रोहतक का, तीन लड़के हैं, एक को पुलिस सनोली पुलिस। 14 अक्टूबर को थी पेशी। आरोपियों ने बरेजा कार बुक थाना तहसील कैंप में 15 अक्टूबर को राजेंद्र ने शिकायत देकर बताया था कि वह प्रीत विहार कॉलोनी का रहने वाला है, उसने एक बरेजा कार ली हुई है, कार का उसका बेटा मोहित चलाता है। 14 अक्टूबर को मोहित बुकिंग के लिए फोन आने पर गाँव रसलापुर के लिए गया था। शाम करीब 7:30 बजे मोहित ने घर फोन कर बताया कि रसलापुर में उसे सवारियां मिल गई हैं। मोहित ने बताया सवारियां ने गाड़ी बुकिंग के लिए ऑनलाइन खाते में 290 रुपये भी डलवा दिए थे। यहां से बुकिंग लेकर वह झज्जर के लिए जा रहा था। बहलालगढ़ पहुंचने के बाद मोहित की लोकेशन नहीं आई, ये मामला सवारियों को बैठने के बाद हुआ है। उसके लड़के मोहित को गाड़ी सहित अपहरण किया है। राजेंद्र की शिकायत पर पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।